तो जैसा कि 100,000 ईयर ऑफ क्यूआई रिफाइंड के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, सेक्ट मास्टर इस डिमोनिक गर्ल के पास आते हुए बोलता है, तुम हम लोगों के जैसे ही हो और हम लोग भी तुम्हारे जैसे हैं, इसलिए क्या तुम इस बच्चे को मुझे दे सकती हो। इस पर यह डिमोन गर्ल सेक्ट मास्टर को एक झापर मारते हुए इस लड़के को लेकर दूर जाने लगती है, क्योंकि उसे सेक्ट मास्टर के इरादों का पता चल गया था। और अब आगे, तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को जिया और उसके फादर को दिखाया जाता है, जहां पर जिया के फादर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। इस चीज को देखकर जिया बोलती है, पिताजी क्या आपके बॉडी के अंदर में पॉइजन है या ये कोई कर्ज है। इस पर उसके पिताजी बोलते हैं, जिया तुम्हारे लिए अच्छा ये हुआ कि तुम जितनी जल्दी हो सके इस जिया से निकल जाओ, क्योंकि मैं अपनी बॉडी के ऊपर अपना कंट्रोल खो रहा हूं। इस बात को सुनने के बाद जिया अपने 7 हेवनली स्वॉर्ड को समन कर लेती है और वो इसकी एनर्जी को अपने पिताजी के अंदर डालते हुए बोलती है, पिताजी मेरे स्वॉर्ड में इतनी ज्यादा पावर है कि इसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता है, क्योंकि वह डिमोनिक पावर को काट सकती है। और वो ये बोलकर बहुत ही अमाउंट में अपने पिताजी के अंदर में इस एनर्जी को डालने लगती है, जिसकी वजह से सेक्ट मास्टर की हालत यहाँ पर थोड़ी सी ठीक होते हुए दिखाई दे रही थी। और साथ ही जिया बोलती है, मेरी स्पिरिचुअल शॉट की वजह से आपकी बॉडी के अंदर में स्पिरिचुअल पावर भी अब पैदा होना शुरू हो जाएगी। लेकिन इस टेक्निक की वजह से जिया के पिताजी कुछ देर तक तो स्टेबल रहते हैं, लेकिन वो दोबारा से इस डिमन के कंट्रोल में आने लगते हैं। इस चीज को देखकर जिया बोलती है, यह किस तरह की बीमारी है जिसके बारे में मैंने आज तक नहीं सुना है। लेकिन तभी जिया के फादर बोलते हैं, मैं ज्यादा देर तक अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि तुम इस जिया से चली जाओ। और वो ये बोलने के बाद में जिया के ऊपर हमला भी कर देते हैं, लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को स्वॉर्ड मास्टर को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर दो आदमी हमला करने के लिए आ रहे थे, जिन्हें डिमन ने पोजेस करके रखा था। इस चीज को देखकर स्वॉर्ड मास्टर यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से ये लोग दूर गिर जाते हैं। लेकिन ये डिमन दोबारा से उठकर खड़े हो जाते हैं और वो लोग दो आदमी के ऊपर हमला कर देते हैं, उन्हें बहुत ही बेनियमी के साथ में खाने लगते हैं। इस चीज को देखकर स्वॉर्ड मास्टर यहाँ पर एक टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से एक बहुत ही बड़ी स्पिरिचुअल बॉडी स्वॉर्ड मास्टर के पीछे में अपेयर हो जाती है और उसकी मदद से स्वॉर्ड मास्टर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक इन लोगों के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और साथ ही सेक्ट मास्टर इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक होता है कि उसके इस अटैक की करने की वजह से उसकी बॉडी में भी यह पॉइजन बहुत ही तेजी के साथ में फैल रहा है। तभी सेक्ट मास्टर ने जिन डिमन लोगों के ऊपर हमला किया होता है, उस जगह का सीन हम लोगों को दिखाया जाता है, जहाँ पर दो बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमन अपेयर हो गए होते हैं। इस चीज को देखकर सेक्ट मास्टर भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन तब तक इन दोनों डीमन ने स्वॉर्ड मास्टर के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, जिसे देखने के बाद स्वॉर्ड मास्टर भी इन लोगों के साथ फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। लेकिन तभी जिया इस जगह पर आ जाती है और इन सभी डीमनों को एक फॉर्मेशन में फंसा देती है। इस चीज को देखकर स्वॉर्ड मास्टर बोलता है, क्या तुम अकेले इन सभी डीमन के साथ फाइट कर सकती हो और क्या तुम्हारे पिताजी ठीक है। इस पर जिया बोलती है, मेरे पिताजी की हालत बिल्कुल ठीक है। लेकिन तभी स्वॉर्ड मास्टर बोलता है, जिया मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि तुम्हारी स्पिरिचुअल शॉट की पावर ज्यादा देर तक तुम्हारे पिताजी को अपने कंट्रोल में कर नहीं रख सकती है, इसलिए हम लोगों को जल्दी से इस पॉइजन का एंटीडोट ढूंढना चाहिए, क्योंकि कोई भी आदमी अगर एक बार इस डीमन में बदल जाता है तो उसे ठीक करना लगभग असंभव हो जाता है। और साथ ही अगर हम लोग इन डीमन लोगों के साथ फाइट करने की कोशिश करते हैं तो इसकी वजह से इन डीमन लोगों की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इस पर जिया बोलती है, फिलहाल के लिए हम लोगों के लिए अच्छा ये होगा कि इन लोगों को इसी जगह पर फंसे रहने दो, क्योंकि हम लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और साथ ही स्वॉर्ड मास्टर, क्या आप पैलेस की सुरक्षा करने के लिए जा सकते हो। इस पर स्वॉर्ड मास्टर बोलता है, मैं अब इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ और तुमने भी मुझे हरा दिया है, इसलिए जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तब मैं दोबारा से तुमसे फाइट करूंगा। इस बात को सुनकर जिया भी मुस्कुरा देती है और वो अपने मन में सोचते है, अगर यहाँ पर हम लोगों के बीच में मास्टर सुयान होते तो इन सब चीजों के लिए हम लोगों को इतना ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना नहीं पड़ता, क्योंकि सुयान जरूर इस चीज को ठीक करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर से ढूंढ लेता। जिया ये सब बोल ही रही होती है, लेकिन तभी हम लोगों को फैंग और उसके साथियों को दिखाया जाता है, जिसे यह लड़की लेकर इस जगह पर आ गई होती है। और वो बोलती है, 8 मेरिडियन में जरूरी कुछ गड़बड़ चल रही है, इसलिए मैं इन लोगों को लेकर इस जगह पर आ गई हूँ। इस पर यह दूसरी लड़की जिया को देखने के बाद बोलती है, इसकी एनर्जी को महसूस करने के बाद मुझे पता चला है कि इसे हम लोगों के मास्टर ने ही ट्रेनिंग दी है, इसलिए ये लोग जिया को फाइट के लिए चैलेंज करने लगते हैं। लेकिन तभी स्वॉर्ड मास्टर इन लोगों की पावर को देखने के बाद बोलता है, सच में ये लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये सभी लोग सुयान के डिसाइपल है। सेक्ट मास्टर अपने मन में यह सब सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी यह मॉन्ग इन डिमन लोगों को देखकर थोड़ा सा शॉक होता है। इस पर यह लड़की बोलती है, हम लोगों को बिना कोई टाइम जाके इन लोगों को यहाँ पर मार देना चाहिए। इस बात को सुनने के बाद सभी लोग अपने अपने वेपन को समन कर लेते हैं और इन लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है और हम लोगों को इस डिमोनिक गर्ल को दिखाया जाता है, जो कि बेहोश होती है, जिसे होश आ जाता है और वो अपने बच्चे को चारों तरफ ढूंढने लगती है, जो कि एक फॉर्मेशन में कैद होता है। इस चीज को देखकर यह डिमोनिक गर्ल उसे बचाने के लिए आगे बढ़ जाती है, लेकिन उसके पास में एक फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से वह दूर जाकर गिरती है। तभी हम लोगों को इस बच्चे
के पास में इस सेक्ट मास्टर को दिखाए जाते हैं, जो कि इसे देखने के बाद में हंस रहा होता है। लेकिन तभी उसके अंदर में जो रियल सेक्ट मास्टर होता है वह इस डिमोनिक गर्ल को बोलता है, तुम जितनी जल्दी हो सके इस जगह से भाग जाओ। लेकिन जो इविल सेक्ट मास्टर होता है वो अपने पास से एक खंजर को निकाल लेते हैं और अपने ही गर्दन के ऊपर भोंकते हुए बोलता है, अब जाकर तुम शांत हो गए हो। इस चीज को दूर से ये डीमन गर्ल भी देख रही होती है और वो सेक्ट मास्टर को बोलती है, मेरा पति तुम्हारी बॉडी के अंदर में क्या कर रहा है, क्या तुमने उसे मार दिया है। इस पर सेक्ट मास्टर बोलता है, तुम्हारे पति को मैंने नहीं मारा है बल्कि वो मेरे माइंड में है। और भी ये बोलकर इस डिमोनिक गर्ल की तरफ जाने लगता है और साथ ही सेक्ट मास्टर डिमोनिक गर्ल को यहाँ पर बोल रहा था कि मैंने तुम लोगों को यह बॉडी दी है जिसकी वजह से तुम लोग अब इमोर्टल बन गए हो, और साथ ही मैं यहाँ पर अपने बेटे को भी एक इमोर्टल बनाना चाहता हूँ, इसलिए तुम मेरे इस काम में रुकावट पैदा मत करो। इस बात को सुनने के बाद डिमोनिक गर्ल बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो बोलती है, तुम पागल हो गए हो। इस पर सेक्ट मास्टर हंसते हुए बोलता है, तुम गलत बोल रही हो बल्कि मैं एक गॉड हूँ। और वो ये बोलने के बाद में यहाँ पर पागलों की तरह हंसने लगता है और वो कुछ देर तक यहाँ पर ऐसे ही करते रहता है। लेकिन तभी हम लोगों को सुयान और उसके साथियों को दिखाया जाता है, जो कि इस चीज को दूर से देख रहे होते हैं। और साथ ही डिमन किंग सेक्ट मास्टर का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, एक आदमी खुद को यहाँ पर गॉड कहने की हिम्मत कर रहा है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि यह कितना ज्यादा पावरफुल है। इस बात को सुनने के बाद सुयान इन सभी लोगों को लेकर नीचे की ओर आ जाता है। इस चीज को देखने के बाद सेक्ट मास्टर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है, तुम लोगों को इस जगह की लोकेशन के बारे में कैसे पता चला। इस पर डिमन किंग सेक्ट मास्टर को बताने लगता है, ये बहुत ही ज्यादा छोटी दुनिया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर घूम रहे थे और हम लोगों को अचानक से यह जगह दिख गई। और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि तुम एक सनकी इंसान हो क्योंकि तुमने खुद के ही बेटे को यहाँ पर मारने की कोशिश की है। इस बात को सुनने के बाद सेक्ट मास्टर बोलता है, तुम सभी लोग पागल हो क्योंकि मैं एक गॉड हूँ और कुछ ही देर में यहाँ पर मुझे अपनी बॉडी मिलने वाली है। इसके यह बोलने की ही देरी थी तभी इस बच्चे की बॉडी में एक ब्लास्ट होता है, जिसे देखने के बाद सेक्ट मास्टर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, कुछ ही देर में मुझे अपनी बॉडी मिलने वाली है। इस बात को सुनने के बाद निंगयू बोलती है, यह किस तरह की टेक्निक है। इस पर सुयान बोलता है, यह सोल कटिंग टेक्निक है जिसकी वजह से किसी की भी बॉडी के अंदर से उसकी सोल को बाहर निकाला जा सकता है और उसकी बॉडी को अपने कंट्रोल में किया जा सकता है। इस बात को सुनने के बाद डिमन किंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो हम लोगों को इस फॉर्मेशन के बारे में बताने लगता है कि इसकी मदद से सेक्ट मास्टर ने खुद के लिए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बॉडी को ढूंढना है, जो कि सेक्ट मास्टर की बॉडी की तुलना में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर उसे वो बॉडी मिल गई तो उसकी वजह से उस बच्चे की जान चली जाएगी, लेकिन इस चीज की वजह से सेक्ट मास्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। इस बात को सुनने के बाद ये डिमोनिक गर्ल अपने बच्चे की जान बचाने के लिए विनती करने लगती है। इस पर सेक्ट मास्टर इस डिमोनिक गर्ल को बोलता है, तुम्हारा यहाँ पर गिर गिराना बेकार है क्योंकि मैं कुछ ही देर में तुम्हारे बच्चे की बॉडी के ऊपर अपना कंट्रोल कर लूंगा और सेवन मेरिडियन की जितनी भी पावर है उन सभी को हासिल भी कर लूंगा, जिसकी वजह से मेरी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। और साथ ही मैं यहाँ पर इसके सोल को खाने के बारे में भी सोच रहा हूँ क्योंकि इसकी सोल बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होगी। इस बात को सुनने के बाद सुयान बोलता है, तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि तुम यहाँ पर रुक जाओ। लेकिन इस पर सेक्ट मास्टर बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी के साथ में मेरे फॉर्मेशन को ब्रेक कर सकते हो। इस बात को सुनने के बाद सुयान एक जगह पर अपनी एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है, उससे इस फॉर्मेशन के ऊपर हमला कर देता है जिसकी वजह से यह फॉर्मेशन यहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस चीज को देखकर सेक्ट मास्टर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है। लेकिन तभी डिमन किंग बोलता है, यह किस तरह का गॉडली पावर है जो कि सुयान के साथ एकदम ही मैच नहीं खा रहा है। डिमन किंग ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी सेक्ट मास्टर बोलता है, सुयान तुम सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और मैंने तुम्हें कमजोर समझने की गलती की, यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। सेक्ट मास्टर के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का यह एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, क्योंकि कुछ ही देर में मार्शल मास्टर का भी लेटेस्ट एपिसोड अपलोड करने वाला हूं, तो प्लीज सपोर्ट मी और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए।